हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन में रार पर दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कहा कि अभी कोई संशय नहीं है। प्रदेश को विकास के मामले में गठबंधन सरकार ने जनहित में कार्य किया और करते भी रहेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद ही गठबंधन पर चर्चा करेंगे, फिलहाल सब ठीक है। कांग्रेस इनेलो के बीच गठबंधन की चर्चाओं पर बोले कि पिछले 6 महीने से ऐसी चर्चाएं सुन रहे हैं, करवाएं तो सही। बीजेपी और जेजेपी अपने अपने स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में फील्ड में उतरी है। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी ने अपने कार्य पहले की अपेक्षा ज्यादा गति से बढ़ाने का कार्य किया है। दोनों पार्टियां लोकसभा के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने में जुटी हैं। गठबंधन को लेकर मीडिया कई तरह की बातें कर रही है, गठबंधन पर चर्चा नहीं है और सरकार में दोनों पार्टियों के बीच किसी कार्य को लेकर कोई संशय भी नहीं है। हर पार्टी को हर जगह प्रचार का अधिकार है और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ने अपना कार्य और गति से आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं ये मानता हूँ कि दोनों पार्टियाँ बड़े अच्छी तरीके से प्रदेश के अंदर काम कर रही है। आज के दिन प्रदेश की डेवलपमेंट को और प्रदेश के उद्धार को देखते हुए हमने अब तक काम किया है और आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। जहाँ डेवलपमेंट वर्क्स की बात है, चाहे वो दादरी के हो चाहे किसी और ज़िले के, सरकार ने 22 के 22 जिलों को बराबरी से, सभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बराबरी से हमने टेकअप किया है और आज उसका नतीजा आने लगा है कि पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट वर्क्स गति से आगे बढ़े। ऑलरेडी सरकार ने निर्णय, सीएम साहब ने भी हफ्ते पहले इसकी अनाउंसमेंट कर दी है कि इसको निल किया जाए। सर, लगातार बात ये आ रही थी गठबंधन को लेकर, आप आला नेताओं से भी मिले थे, उस दौरान आपने ये भी कहा था कि हमारा गठबंधन कहीं ना कहीं लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो, मुझे लगता है आप लोग नहीं चलने देना चाहते। मैं तो जहाँ जाता हूँ, सवाल एक है, आप मुझे बताओ कि सरकार के तौर पे दोनों पार्टियों की वर्किंग में कहीं कोई ईर्ष्या हो, कोई द्वेष हो? आज राजनीतिक तौर पे संगठन को 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे मजबूत करना है, 10 लोकसभा में कैसे मजबूत करना है, ये भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और जननायक जनता पार्टी भी कर रही है। और मुझे लगता है कि ये इतिहास भी रहा है, अकाली दल हो, उनका बीजेपी के साथ पंजाब में था तो दोनों पार्टियों ने सब जगह प्रचार किया, लास्ट में आकर एमिकेबली एक रिजल्ट निकाला। आगे तो चुनाव डिक्लेयर होने थे, उसके बाद नतीजे लिए जाएंगे। दरअसल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में 53 लाख की लागत से बनने वाली मासाखोर शेड का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान दुष्यंत ने कई कार्यक्रमों में भी शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में विकास को गति देने के लिए गठबंधन सरकार बेहतर कार्य कर रही है, जनहित में योजनाओं को धरातल पर लागू किया जा रहा है। कहा कि झज्जर से वाया दादरी होते हुए मुख्य मार्ग को राजस्थान तक जोड़ा जाएगा, 4 लेन बनने वाले इस मार्ग की राजस्थान से दिल्ली तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। वहीं उन्होंने दादरी में नया बस स्टैंड और बाईपास बनाने की भी घोषणा की है। सत्य खबर के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबार।